कोरबा वासियों को नए साल से पासपोर्ट के लिए बिलासपुर रायपुर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिले का पासपोर्ट ऑफिस शुरू हो जाएगा। सेवा केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया तेज करते हुए चयनित भवन में इंतजाम दुरुस्त करने रायपुर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। कोसाबाड़ी स्थित प्रधान डाकघर के ऊपरी हिस्से में पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित होगा। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में जिले वासियों को यह नई सुविधा नए साल के उपहार के रूप में मिलेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र की सुविधा कोरबा से सबसे नजदीकी बिलासपुर, उसके बाद रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और राजनांदगांव में पहले से मुहैया कराई जा रही है। डाक विभाग की ओर से इस दिशा में सेवा का विस्तार करने, कुछ नए पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। इनमें नए केंद्रों में रायगढ़ के अलावा कोरबा के कोसाबाड़ी स्थित प्रधान डाकघर को भी शामिल किया गया है। इसी कड़ी में एक एक कर विभिन्न जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू करने कवायद की जा रही है। हाँ, उसकी प्रक्रिया भी चालू है। अभी तो बिलासपुर में चल रहा है, पासपोर्ट कार्यालय खुल गया है, हर जिले में खुलेगा। तो जगह मतलब अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, और ऊपर में जगह उपलब्ध होने के बाद ही पासपोर्ट कार्यालय ओपन होगा। उसमें पोस्टल विभाग के आदमी रहते हैं, और पासपोर्ट कार्यालय से संबंधित जो भी ट्रेनिंग वगैरह ले करके हमारे ही आदमी काम करेंगे पोस्टल के। ये तो अब केंद्र सरकार की वो है, और वो हो सकता है चुनाव के बाद, देखिए नया साल में कुछ हो जाए जल्दी। नया साल में उम्मीद कीजिए, नए साल में होगा। कोरबा वासियों को तो जो पासपोर्ट बनाने के लिए बाहर जाने पड़ते हैं वो यही बनेगा, तो उनके लिए तो फायदे की बात है। अभी रायपुर जाते हैं, बिलासपुर जाते हैं, या कोरबा में बनेगा तो उनको तो फायदा होगा। ये बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि पहले रायपुर और बिलासपुर जाना पड़ता था, काफ़ी दूर दूर और काफ़ी परेशानी होती थी। मगर अब जो कोरबा में सुविधा मिल गई है, तो इस कारण से बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ सुविधा है तो सब पास में सब चीज़ हो जा रहा है, कुछ भी परेशानी भी नहीं होगी, और लोगों को राहत मिल जाएगी यहाँ पर। पिछले 6 साल में जिले के करीब 9,500 लोगों के पासपोर्ट बने। तकरीबन हर महीने पासपोर्ट के लिए लगभग 200 आवेदन कर रहे हैं, जिनमें से औसतन हर 6 माह में 150 लोग विदेश की उड़ान भर रहे हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे युवा हैं जिन्हें विदेश में बेहतर शिक्षा और भारी भरकम पैकेज का जादू खींच रहा है। इसके अलावा विदेश की सैर, अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए क्रॉस कंट्री, मेडिकल इंजीनियरिंग की तालीम भी शामिल है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए पूजा साहू की रिपोर्ट।